नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फूडी हम पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक और नई रेसिपी। आज हम बनाएंगे पनीर से एक नई रेसिपी जो आप बच्चों के लंच बॉक्स में बना सकते हैं। आपके घर में गेस्ट आए हैं तो ये झटपट बनकर रेडी हो जाएगी और ये आपके किड्स को और फैमिली मेंबर्स को, गेस्ट को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले एक रिमाइंडर, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल के। यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ, आप जो भी ऑयल खाते हैं वो ले सकते हैं। और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे और साथ में हम डालेंगे यहाँ पर जीरा 1 बड़ा चम्मच। इसको अच्छे से भून लेंगे और साथ में डालेंगे यहाँ पर रफली चॉप किए हुए 2 बड़े प्याज और इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से मिक्स करके इसे भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। 2 बड़े टमाटर रफली चॉप किए हुए और इनको बिल्कुल अच्छे से भूनकर सॉफ्ट कर लेंगे। साथ में हम यहाँ डाल देंगे नमक जिससे टमाटर जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। तो स्वाद अनुसार यहाँ नमक डाला है मैंने। ये हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और अब हम यहाँ डालेंगे कुछ वेजीज। यहाँ मैंने बीन्स और गाजर को लिया है, तो जितने आपको चाहिए उस हिसाब से आप सब्जियाँ ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर लेंगे हम 2 हरी मिर्चें, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, हल्दी 1/4 स्पून, देगी मिर्च 1 बड़ा चम्मच और इनको मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम यहाँ डालेंगे पनीर। यहाँ मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको ढककर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे जिससे कि पनीर के अंदर भी मसाला चला जाएगा। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, एक बार इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी हमारी बनकर रेडी हुई है, वो भी बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में। ये देखिए अब हम यहाँ डालेंगे 1/4 स्पून यहाँ पे गर्म मसाला डालूंगी। साथ में डालेंगे कसूरी मेथी और साथ में कटा हुआ हरा धनिया और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी गर्मा गर्म रेसिपी बनकर रेडी हो गई है, बहुत ही जल्दी बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। बच्चों के लंच बॉक्स में आप इसको डाल सकते हैं। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। आप इसे राइस, चपाती, नान किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।